ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने ग्वार गम और ग्वार सीड में 5-5, 6-6% के ऊपरी सर्किट भी लगते देखे हैं, निचले सर्किट भी लगते देखे हैं। अब देख रहे हैं कि काफ़ी समय से, लगभग एक हफ्ते से ऊपर की बात की जाए, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में लगातार गिरावट गहराती जा रही है। इनफैक्ट आज देख रहे हैं ग्वार गम का डिसम्बर वायदा 10,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4% की लोअर सर्किट है, और ग्वार सीड का डिसम्बर वायदा 6,000 के घरों में है, 2% का लोअर सर्किट के साथ। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से करेक्शन अभी और ज्यादा गहराएगी ग्वार के अंदर, और ग्वार में क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी इस समय? जी देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल जो बाजार है वो करेक्शन की ग्रिप में है, तो डेफिनेटली क्योंकि जो मेरे भी व्यू थे तेजी के वो 6,500 के ऊपर के ही थे, लेकिन उसके बाद वो मेरा जो शॉर्ट टर्म व्यू है वायलेट हो चुका है, यानी मैं फिलहाल सलाह नहीं दूंगा तेजी करने की। मुझे लगता है कि जहां से तेजी शुरू हुई थी 5,700 से, पॉसिबली प्राइजेस उसके आसपास ही आ जाएंगे, तो फिलहाल बिटकॉइन की सलाह होगी इमीडिएट तौर पर 5,550 का लक्ष्य होगा, उसके बाद 5,750 का, उसके बाद हो सकता है कि दोबारा हमें तेजी देखने मिले, लेकिन फिलहाल कम से कम 2 हफ्तों के लिए मुझे लगता है गिरावट का दौर ग्वार सीड में जारी रहेगा। सिमिलरली ग्वार गम में 11,600 से 11,700 के जो स्तर सपोर्ट के थे वो काफी हद तक होल्ड कर रहा था बाजार, और 2-3 बार उछाल भी देखने मिला, लेकिन उसके ब्रेक होने के बाद जो मेरा एक इमीडिएट बाय ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि हर व्यू की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। प्राइजेस 10,200 से 10,250 तक के स्तर हमें हो सकता है ग्वार गम में आने वाले 1-2 हफ्तों में देखने मिल सकता है। जी अमित जी, हमने देखा है कि ग्वार का जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम बताया जा रहा है, और फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही हैं, एक्सपोर्ट डिमांड भी है और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, तो फिर फ्यूचर मार्केट में ये ग्वार में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है अचानक से? जी देखिए, जो प्रोडक्शन के आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं हमने सितंबर अक्टूबर में ही डिस्काउंट होते हुए देखे थे, और उस समय काफी बढ़िया तेजी दिखाई दे रही थी, और बाजार ने उसको जस्टिफाई भी किया, क्योंकि 9,400 से लेकर 14,000 तक की एक नॉन स्टॉप रैली हमने पिछले 3 महीनों में देखी है, तो ये पॉसिबल है कि ये फिलहाल एक करेक्शन मूव है और ये करेक्शन और जारी रहेगा, लेकिन हाँ ये टोटली नेगेटिव हो जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने बताया कि 5,700 में इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से 9,300-9,400 के स्तर जो है वो ग्वार गम में इंपॉर्टेंट है, हालांकि इमीडिएट सपोर्ट 10,200 का ही है, लेकिन जब तक ये स्तर होल्ड कर रहा है या प्राइस होल्ड कर रही है तब तक मंदी का रूप नहीं होगा। करेक्शन आने के बाद दोबारा हमें हो सकता है कि फरवरी या मार्च में तेजी का रुझान देखने को मिले। जी